हेलो स्टूडेंट, माय सेल बिंदु बालको से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ कारा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कारा का सिस्टमेटिक पोजीशन। थैलोफाइटा डिवीजन में रखा गया है इसको। सब डिवीजन है इसका एल्गी। क्लास है इसका क्लोरोफाइसी। ऑर्डर है कॉरल्स। फैमिली है कॉरेसी और जीनस है कारा। ठीक है, फिर देखते हैं इसके कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। कारा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, कारा बाल्टिका एवं इसकी कुछ अन्य स्पीसीज कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। प्लांट की बाह्य सतह कैसी होती है? इसकी रफ होती है। ठीक है, इसके कारण कैल्शियम सॉल्ट के जमाव के कारण। ठीक है, इसके स्वभाव के कारण कारा को स्टोनवर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कारा जिलेनिका भारतवर्ष में सबसे सर्वाधिक पाई जाने वाली स्पीसीज है। इसकी कुछ अन्य स्पीसीज हैं कारा ब्राउन आई, कारा कोरेलाइना, कारा ब्रेकिपस, कारा बेंथमाई, कारा जिम्नोपाइटिस। ठीक है, फिर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। कारा का थैलस जल स्रोत के बॉटम में उगता है। ठीक है, यह सीधा एवं अत्यंत कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। प्लांट बॉडी राइजाइड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, ऊपरी भाग पर इंटरनोड्स एवं नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कारा के प्लांट बॉडी में क्या पाए जाते हैं? इंटरनोड्स और नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, नोड्स से निकलने वाली शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, निश्चित अथवा सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। सेकंड है अनिश्चित अथवा असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। ठीक है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं जो है वो इंटरनोड के चारों ओर चक्र के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 से 15 तक। कुछ नोड्स से असीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, ये बाह्य रूप से मुख्य एक्सिस के समान दिखाई देता है। सीमित वृद्धि वाली शाखाओं के आधार की नोड्स से यूनिसेलुलर रचना उत्पन्न होती है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिप्युलॉइड्स कहते हैं। इंटरनोड्स में उपस्थित मध्य सेल्स को एक्साइल सेल्स कहा जाता है। इसके चारों ओर से लंबी पतली सेल्स द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, ये सेल्स कॉर्टिकल सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, एक्साइल सेल्स के चारों ओर कॉर्टेक्स की सभी स्पीसीज में नहीं पाया जाता। जिन स्पीसीज में कॉर्टेक्स पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकेटेड। एवं बिना कॉर्टेक्स वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? नॉन कॉर्टिकेटेड। ठीक है, कारा जिलेनिका कॉर्टिकेटेड स्पीसीज है। नोड्स में पाए जाने वाले सेल्स लंबी ना होकर आइसोडाइमेट्रिक होती है। ठीक है, इंटरनोड में एक अथवा दो एक्साइल सेल्स 6 से 20 परिधि सेल्स द्वारा क्या होती हैं? घिरे रहते हैं। राइजॉइड्स फिलामेंटस एवं मल्टीसेलुलर एवं ब्रांच्ड होते हैं। इनमें ऑब्लिकेट सेप्टा पाई जाती है। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? कारा का प्लांट बॉडी, जिसमें कि ये हमारा क्या है, जहाँ से लीफ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ठीक है, ये मान लो जाए नोड है, ये नोड है, तो इनके बीच जो स्पेस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, बी हमारा क्या शो कर रहा है? राइजॉइड शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा राइजॉइड है जिसमें कि ऑब्लिकेट सेप्टा पाए जाते हैं। ये राइजॉइड है, इनके बीच में सेप्टा जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से सी क्या है हमारा? सीमित वृद्धि वाली शाखा है जिस पर सेक्स ऑर्गेन्स की स्थिति को दिखाया जा रहा है। ये हमारा मेन एक्सिस है। ये ग्लोब्यूल है, न्यूक्लिक है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल स्ट्रक्चर।
इंटरनोड की सेल्स लंबी होती हैं, इनकी सेल वॉल पर सिलिका एवं कार्बोनेट का क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। नोड्स की सेल्स आकार में छोटी तथा सम व्यापी होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के सेल्स में बिंब के आकार में अनेक क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनमें पायरेनाइट्स नहीं पाए जाते। ठीक है, यह हमारा क्या है, सेल वॉल है। इसके बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यह हमारा ए जो है वो नोडल सेल्स है और बी जो है वो इंटर नोडल सेल्स। ठीक है, फिर देखते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। थैलस के मेन एक्सिस पर असीमित वृद्धि वाली शाखाओं में अग्रस्थ वृद्धि अग्रभाग पर स्थित उसके डम्ब शेप्ड सेल्स में डिवीजन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, किस में डिवीजन होता है, ये जो सेल्स है, ठीक है, ये जो एपिकल सेल्स है उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, इस सेल्स के पश्चिम भाग डिवीजन के पश्चात बेसल सेल बनाती है। ठीक है, कौन सा सेल बनाती है, बेसल सेल बनाती है जब डिवीजन होता है, तो कौन सा सेल बनाती है, ये वाला बेसल डिवीजन बेसल सेल बनाती है। ठीक है, यह फिर से डिवाइड होकर होता है और तीन सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये फिर से डिवाइड होगा, ठीक है, और तीन सेल का फॉर्मेशन करते हैं। नीचे की ओर स्थित बाइकोनिक सेल इंटरनोडल इनिशियल कहलाती है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, इंटरनोडल इनिशियल है। ठीक है, यह इंटरनोड तथा नोडपक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यह लॉन्गिट्यूडल डिवीजन होकर दो सेल्स बनाती है। दोनों सेल्स फिर से तीन से चार लॉन्गिट्यूडल डिवीजन के फलस्वरूप परिधि कोशिका का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हमारा परिधि सेल्स है। ठीक है, उसके बाद मध्य में बाइकोनियल सेल्स नोडल इनिशियल कहलाती है। ये बीच वाला सेल्स जो है हमारा क्या है, नोडल इनिशियल है। सबसे ऊपर की ओर स्थित डम शेप्ड एपिकल सेल्स कहलाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एपिकल सेल है। इस प्रकार निर्मित तीनों सेल्स एवं उनसे बनने वाली सेल्स की सहायता से एक जोड़ी केंद्रीय कोशिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कौन से कोशिका का, सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होता है, एक जोड़ी जो परिधि कोशिका द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, हमारा क्या था, वेजिटेटिव ग्रोथ था। फिर से देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। कारा में रिप्रोडक्शन की दो मेथड्स पाई जाती हैं, पहला हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैच्योर प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी भी समय होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से मेथड्स के द्वारा होता है। बाई एमाइलम स्टार, ठीक है, थैलस की निचली नोड्स की कुछ सेल्स में कुछ विशेष प्रकार के स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जो एमाइलम स्टार कहलाती है। ठीक है, इसके सेल्स में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। प्लांट मदर प्लांट से अलग होकर ये जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टार शेप्ड का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एमाइलम स्टार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्राई प्रोटोनीमा द्वारा। ठीक है, बाई प्रोटोनीमा द्वारा थैलस की नोड्स एवं राइजॉइड्स पर धागेनुमा अथवा प्रोटोनीमा के समान ब्रांचेस दिखाई देती हैं। ठीक है, ये अलग होकर नए प्लांट को जन्म देते हैं, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रकलिकाओं अथवा बल्बिल द्वारा। बाई बल्बिल द्वारा कैसे होता है,
कारा स्पेरा एवं कारा बाल्टिका में रूट्स और स्टेम के नोट पर कुछ स्टार के समान रचना निर्मित होती है। ठीक है, ये मदर प्लांट से पृथक होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ये हमारा क्या है, बुलबिल है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट देखते हैं अनियमित बल्बिल्स द्वारा। कुछ स्पीसीज जैसे कि कारा फेजिफेरा एवं कारा डेटिकुलेटा में लोअर नोड्स पर अनेक अनियमित सेल्स ग्रुप विकसित होते हैं। पृथक होकर ये क्या बनाते हैं, नए पौधे बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्स व रिप्रोडक्शन। कारा में सेक्स व रिप्रोडक्शन ओगेमस अर्थात अंडयुग्मनी टाइप का होता है। इनमें मेल एवं फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स विकसित होते हैं और विशिष्ट रचना के रूप में पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गेन्स को एंथ्रीडियम, ठीक है, एंथ्रीडियम कहते हैं। इसके विशिष्ट संरचना के कारण इसको ग्लोब्यूल भी कहा जाता है। इसी प्रकार फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स को न्यूक्यूल कहते हैं। ठीक है, कारा की अधिकांश स्पीसीज कैसे होती है, मोनोसियस होती है, अर्थात इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स है वो एक ही प्लांट बॉडी पर पाए जाते हैं। ठीक है, कारा वॉलीचाई तथा कुछ अन्य स्पीसीज कैसे होते हैं, डाइसियस होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स प्लांट बॉडी अलग अलग प्लांट बॉडी पे पाए जाएंगे। ठीक है, मोनोसियस स्पीसीज में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गेन्स का विकास सीमित वृद्धि वाली शाखाओं के नोड्स पर होता है। न्यूक्लियर ग्लोब्यूल के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, आकार में बड़े होने के कारण सेक्स ऑर्गेन्स को नग्न आँखों से आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स। ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गेन्स का विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया कैसी होती है, एक समान होती है। सेक्स ऑर्गेन्स का विकास प्राइमरी लेटर के नीचे स्थित परिधि सेल्स से क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, यह सेल्स सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर आउटर एवं इनर सेल बनाती है। आउटर सेल एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करता है। इनर सेल पुनः फिर से क्या करता है, पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर तीन सेल्स बनाती है। ठीक है, सबसे नीचे वाले सेल्स इंटरनोड सेल्स, मध्य वाली एंथ्रीडियम की बेसल सेल्स तथा सबसे ऊपर वाली एंथ्रीडियल इनिशियल के समान कार्य करती है। ठीक है, मध्य वाली बेसल सेल्स से पांच परिधि सेल्स बनती है। इनमें से सबसे ऊपर वाली सेल्स विकसित होकर एंथ्रीडियम अथवा ओगोनियम बनाती है। ठीक है, फिर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। कारा में मेल सेक्स ऑर्गेन्स अथवा ग्लोब्यूल का विकास सीमित वृद्धि वाली ब्रांचेस के नोड्स पर सेकेंडरी लेटर के एक्सिस में होता है। ठीक है, नोड्स पर स्थित सेल्स एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह क्या करता है, वर्क करता है। यह ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा क्या होता है, डिवाइड होकर दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, लोअर सेल्स से ग्लोब्यूल का पेडिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अपर सेल्स आकार में बढ़कर गोलाकार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इस सेल्स में एक ट्रांसवर्स एवं दो पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा आधे सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ये सभी आधे सेल्स जो या प्रिमिटिव सेल्स दो परिनेट डिवीजन द्वारा क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जो आधे सेल बना होता है या प्रिमिटिव सेल्स जो बने होते हैं वो क्या करते हैं, फिर से दो बार पेरिक्लिनल डिवीजन करता है और डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जितने भी सेल्स हैं वो तीन तीन डॉटर सेल्स बन जाती है। डिवाइड होकर कितने सेल्स बना लेती है, तीन तीन डॉटर सेल्स। ऑक्टेट सेल्स 24 सेल्स बन जाती हैं। सबसे बाहर स्थित एड सेल्स ग्लोब्यूल की सीड सेल्स बनाती है। ठीक है, मध्य स्थित एड सेल्स मैन्यूब्रियम सेल्स तथा
अंत एड सेल्स क्या बनाती है, कैपिट्यूलम सेल्स बनाती है। ठीक है, सील्ड सेल्स डिवाइड होकर ग्लोब्यूल की बहुकोशिकीय आवरण बनाती है। ठीक है, उसी प्रकार से मैनुब्रियल सेल्स रेडियल ग्रोथ के फलस्वरूप रॉड लाइक हो जाती है। ठीक है, कैपिट्यूलम सेल्स से एंथ्रेडियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ये फिलामेंट लंबे एवं क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल्स से बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइट का फॉर्मेशन होता है या उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर देखते हैं मैच्योर ग्लोब्यूल। मैच्योर ग्लोब्यूल रेड कलर का होता है। ठीक है, ये सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की इंटरनोड पर क्या होते हैं, सॉरी नोड पर नीचे की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्लोब्यूल में निम्न प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। स्पेडिकल सेल्स 1, सीड सेल्स 8, मैनुब्रियल सेल्स जो है वो 8, और जो प्राइमरी कैपिट्यूलम सेल्स होते हैं वो भी 8 होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कैपिट्यूलम से सेकेंडरी एवं टर्सरी कैपिटुलम सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यह हमारा क्या है, नोड है। ठीक है, नोड से वहीं पे ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन होता है, स्टिप्यूल, और ये न्यूक्यूल है। ठीक है, यह हमारा प्राइमरी कैपिटुलम है, यह हमारा सेकेंडरी कैपिटुलम है। ठीक है, ये सेंट्रल स्टाक है, ओगोनियम है और एंथ्रीडियल फिलामेंट है। ठीक है, फिर देखते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट। प्रत्येक टर्सरी कैपिट्यूलम सेल्स से कई एंथ्रीडियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रत्येक तंतु बहुकोशिकीय होते हैं जिसमें सेल्स एक सीरीज में लगी होती है। ठीक है, सेल से एक एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है। जितने भी सेल्स होते हैं उसमें से एक एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन होगा। एंथ्रोजॉइट जो है सर्पिली क्वाइल्ड बाइफ्लैजेलेट तथा मोटाइल होता है। ठीक है, फिर देखते हैं एंथ्रोजॉइट का मुक्त होना, लिब्रेशन ऑफ एंथ्रोजॉइट्स। एंथ्रोजॉइट फिलामेंट सेल के जिलेटिनाइजेशन से एंथ्रोजॉइट जो है वो बाहर निकलता है। सील्ड सेल्स भी मैच्योर होकर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके फलस्वरूप सभी एंथ्रोजॉइट ग्लोब्यूल से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेवलप।